अस्सलाम वालेकुम, कश्मीर स्टूडियो के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान हसन हमदानी और इस वक्त मैं मौजूद हूँ अली खान चौधरी क्रिकेट स्टेडियम में। उस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आशिक भट्ट जो कि इंटरनेशनल सिंगर हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम सर, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है। आज आप झेलम वैली में, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा, यहाँ पे बड़ा अच्छा माहौल, बड़ा अच्छा लगा। अच्छा, तो हम देख रहे हैं आपकी इंटरनेशनल लेवल पे, उसके अलावा KPL में आपने काफ़ी परफॉर्मेंस दे चुके हैं। हाँ, पहले भी हमने KPL में तो दो सॉन्ग हमने बनाए थे। पहले तो जब सीज़न वन में थे तो मुजफ्फरबाद टाइगर्स का भी ऑफिशियल सॉन्ग हमने दो सॉन्ग ऑफिशियल बना दिए उनके लिए। एक हमने फिर जो ऑफिशियल KPL का वो भी हमने बनाए। अभी सीज़न टू और इसका जो जम्मू जामबाज का जो सॉन्ग है वो भी हमारे AJK रॉकर्स के बैंड ने, जिसमें नादिर सवाती साहब, तायबा मलिक और मैं खुद हूँ, और इसके बाद जो मुजफ्फरबाद टाइगर्स का दूसरा जो सीज़न टू का सॉन्ग वो भी हमने बनाया। अच्छा, ये जो दूसरा सॉन्ग और आपका, ये अभी तक रिलीज़ हो चुका है कि नहीं? ये अभी उनके पेज जम्मू जामबाज के पेज पे रिलीज़ हो गया है, तो इंशाल्लाह रहमान हम कोशिश करते कि वीडियो भी बनाए इसकी। तो झेलम वैली की आवाम, आज आपने देखी यहाँ भी परफॉर्म किया, कैसा लगा आपको यहाँ की आवाम का? मैं कहता हूँ कि बहुत अच्छा लगा। जो इसकी ऑर्गेनाइजेशन जो टीम थी बड़ा अच्छा, इसमें लेडीज़ भी माशाल्लाह, यहाँ पर मैंने देखा माहौल भी लेडीज भरपूर ताउन की है सब लोगों ने, और ऐसा होना चाहिए यहाँ पे। तो इससे हमारे जो एक्सप्लोर हुए हैं हमारे कश्मीर का, वो बाहर ममालकों में पता चल जाए हमारा कश्मीर क्या है। तो इस तरीके से ये जो आज पहली मरतबा मेरे ख्याल से जो सजाया पंडाल हमारे जीशान हैदर साहब ने, माशाल्लाह मुझे बहुत अच्छा लगा है। मैं अप्रिशिएट करता हूँ उस बंदे को। बकाया हमारे जो गवर्नमेंट की जो टीम थी, तो उसमें कमिश्नर हमारे मसूदुर रहमान साहब भी थे, और आज बड़ा मज़ा आया, तो उसने भी साथ दिया, पूरे अवाम ने भी, यहाँ पे लोगों ने भी साथ दिया, और बड़ा अच्छा लगा, माहौल बड़ा अच्छा लगा यहाँ पे।